बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और करिएगा बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। पीआईपीआई व्यूअर्स को मेरे किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कश्मीरी चाय की रेसिपी, जिसको पिंक टी भी कहते हैं। सो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कश्मीरी चाय का कहवा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती ली है। मैंने टपाल की यूज़ की है, ये अदर ब्रांड में भी ईजिली अवेलेबल है। सो जो आपको मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मीठा सोडा लिया है। क्वांटिटी मैं आपको कहवा बनाते वक्त बताऊंगी। सो आइए चलते हैं फिर कहवा बनाते हैं। सबसे पहले देखिए मैं 4 कप पानी डालेंगे। और फिर इसमें 4 खाने के चम्मच कश्मीरी चाय की पत्ती ऐड करेंगे। अब फ्लेम को करेंगे ऑन और इसको इतना पकाएंगे कि 4 कप पानी सिर्फ 2 कप रह जाए। यहाँ पर देखिए कि अब कहवा हाफ हो चुका है और 4 कप पानी से 2 कप रह गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चुटकी सोडा। सोडा डालते साथ ही इसके अंदर फ्रिज का ठंडा पानी 1 गिलास ऐड करेंगे। चाहे तो आप बर्फ़ वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे इस तरह से, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये कहवा तैयार करने के बाद सेव भी कर सकते हैं, तो आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में इसको फिल करके फ्रिज में रख सकते हैं। कहवे को फेंटते वक्त फ्लेम को ऑन ही रखेंगे। अब देखें ये कलर चेंज होने लगा है और यहाँ पर खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया है। अब कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसको कर देंगे कवर। कहवा ठंडा होने पर इसका कलर और मज़ीद डार्क हो जाएगा। कहवे को जग में छान लेंगे। इस कहवे को आप इजीली स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अब हम इसी कहवे की चाय बनाएंगे। चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है, थोड़े से पिस्ते लिए जिसको बारीक क्रश कर लिया था, 1/2 चाय का चम्मच इलायची पाउडर, 3 खाने का चम्मच चीनी लिए, या फिर आप हसब जायका भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक देखिए में दूध डालेंगे और इसको कर लेंगे बॉईल। जब दूध बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर चीनी और इलायची पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पिंक टी का कहवा। इसकी क्वांटिटी आप कलर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और देखेंगे कितना अच्छा गुलाबी कलर आया है। मैंने इसमें 1 चुटकी नमक के ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने से टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। कश्मीरी चाय तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब सर्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 कप लिए हैं, जिसके अंदर मैं कश्मीरी चाय डालूँगी। और पिस्ता डालकर इसको सर्व करेंगे। अब हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय पीने के लिए तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।